नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीक जो है हमने FI डाटा की इम्पोर्टेंस समझी थी और वहाँ पे जो है एक ये फ्लो डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका ये जो लेफ्ट वाला हाफ पार्ट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि FI का जो इक्विटी का कैश फ्लो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ से चेक कर सकते हैं, डाटा सोर्स क्या है और क्या क्या उसके पॉइंट हम चेक कर सकते हैं और उसका क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये राइट वाला है, इम्पोर्टेंट क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है डेरिवेटिव FNO में जो पोजीशन और उनका कैश फ्लो है, यानी कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उनकी जो ओपन पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो वो जो है हमको डिस्कस करनी है, वो हम जो है सर्च करने की कोशिश करेंगे। वही मॉड्यूल पे काम करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, डाटा कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपके साथ कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि आप YouTube पे अपना कीमती समय जो है लगाते हो तो आपको जो लर्निंग है पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, वहाँ पे हवाबाजी या खिचड़ी नहीं बननी चाहिए कि कुछ समझा रहे हैं, अल्टीमेट यूज़र को यही समझ नहीं आया कि यहाँ पे गेन क्या है। तो इसलिए जो है हम अपनी चीज़ें आपके साथ हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आपको हो सके। ओके, तो डेरिवेटिव का कैश फ्लो। ओके, तो जो नेट मनी है डेरिवेटिव मार्केट में FI का आ रहा है या जा रहा है, कितना आ रहा है, उसको सिर्फ ये इंडिकेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आपके सामने लिखा है कि ये डेरिवेटिव मार्केट का कैश फ्लो है, लेकिन इसका मतलब लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है, यानी कि मार्केट में उनका व्यू ऊपर जाने का बुलिश व्यू है या बेयरिश व्यू है, इस डाटा से सिर्फ हमें पता नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, इसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हमें मालूम है कि डेरिवेटिव मार्केट में हमेशा दोनों प्रकार की पोजीशन बन सकती है। अगर आप मार्केट पे बुलिश हो, अंडरलाइंग एसेट पे बुलिश हो या मार्केट पे बुलिश हो, तो आप जो है डेरिवेटिव में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अंडरलाइंग एसेट पे बेयरिश हो तो आप जो है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और दोनों के लिए ही वहाँ पे पैसा लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि आपके पास जो है किसी अंडरलाइंग स्टॉक, हम लेते हैं एग्जाम्पल SBI इनका। ओके, हमारे पास यहाँ पे SBI का फ्यूचर है। अब आपको लग रहा है कि अंडरलाइंग एसेट जो है वो ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, फ्यूचर को बाय करोगे। ओके, यहाँ पे फ्यूचर को बाय किया तो आपको क्या चाहिए, पैसा लगेगा। इनिशियल मार्जिन आपको एक्सचेंज को देना पड़ेगा, तो जो इनिशियल मार्जिन है, अपफ्रंट मार्जिन है, फ्यूचर का जो मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि 2 लाख है SBI में अप्रोक्स, तो 2 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पॉकेट से 2 लाख रुपए गए और आपने जो है डेरिवेटिव में पोजीशन बना ली। ठीक है, अब आपका व्यू क्या है, दूसरे केस में नेगेटिव है, आपको लग रहा है कि स्टॉक जो है गिरेगा और आप जो है हेजिंग के लिए या स्पेकुलेशन के लिए या फिर आर्बिट्रेज के लिए जो भी आपका रीजन है आप जो है फ्यूचर को सेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ओके, अब सेल करने के टाइम पे भी आपको इतना ही पैसा लगने वाला है, तो आपकी पॉकेट से 2 लाख रुपए लगे। अब आपने किसी को कहा कि मैंने SBI में 2 लाख रुपए लगाए हैं डेरिवेटिव में। ओके, अब 2 लाख रुपए आपने SBI के डेरिवेटिव में लगाए हैं, तो क्या इससे हमको ये समझ आएगा कि आपने क्या किया, आप जो है अंडरलाइंग एसेट पे यानी कि स्टॉक पे बुलिश हो या बेयरिश हो, इसका अंदाज़ा हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ इसमें आपने पैसा लगाया है। ठीक है, तो ये अंदाज़ा से हमको सिर्फ आपने पैसा लगाया इससे नहीं पता लगेगा कुछ भी। हाँ, लेकिन हमको ये पता लगे कि आज आपने जो है इसमें 2 लाख रुपए लगाया है और 10 दिन बाद आपने जो है इसमें से 2.5 लाख रुपए निकाला है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि आपने 50,000 रुपये प्रॉफिट किया है। वो बाय करके किया या सेल करके किया वो मालूम नहीं है, लेकिन आपने प्रॉफिट किया। ठीक है, तो बाय करके किया या सेल करके किया, तब हमें जो है स्टॉक की भी मूवमेंट देखनी पड़ेगी। आपने 2 लाख रुपए SBI में लगाए और मार्केट SBI जो है वहाँ पे नीचे आया, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपने जो है लगभग 17-18 पॉइंट जो है कमाए होंगे फ्यूचर में, तब आपको प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि आपने बेच के प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे अगर सिर्फ कैश का जो डाटा है, यहाँ पे डेरिवेटिव में जो कैश फ्लो है, नेट मनी फ्लो है, उससे आपको ये पता नहीं लगेगा कि पैसा तो आ रहा है लेकिन वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की गई है या शॉर्ट की गई है। ठीक है, तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको काफ़ी नहीं है, जो कि काफ़ी लोग देखते हैं। ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे कि काफ़ी लोग जो है सिर्फ एक कैश का डाटा देखते हैं कि डेरिवेटिव में इतना कैश आया, इतना पैसा गया, ऑप्शन में इतना आया, इंडेक्स में इतना आया, लेकिन वहाँ पे जानकारी पूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा सोर्स क्या है, डाटा सोर्स NSDL है,
जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, NSDL पे डेली एक्टिविटी आप चेक कर सकते हो, हिस्टोरिकल वैल्यू आप चेक कर सकते हो, कब कितना पैसा डेट वाइज आया और गया वो आप चेक कर सकते हो, और मनी कंट्रोल पे देख सकते हो, या फिर जो हमारी निफ्टी एक्शन शीट है उसमें भी देख सकते हो। ये डाटा कैसे दिखता है मैं आपको तीनों ही मॉड्यूल पे अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो आए हैं NSDL की वेबसाइट पे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे NSDL की वेबसाइट है। आप होम पे ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ पे FI इन्वेस्टमेंट है, FI API, वहाँ पे आप लेटेस्ट देखोगे। आप पीछे का भी डाटा देख सकते हो, करंट मंथ का, आर्चीव का, पीछे का अगर आपको डाटा देखना है, लेटेस्ट आपको देखना है इस जो करंट मंथ है वहाँ पे आप जो है देख सकते हो कि लास्ट जो वैल्यू है वो क्या है, जो लास्ट दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है ये डाटा क्या है, ये कैश का डाटा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी मार्केट में कितना पैसा इनका आया, क्या ट्रेडिंग हुई वो डिटेल है, और यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेड है वो डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि नेट कॉन्ट्रैक्ट कितना है, अमाउंट कितना है, नेट कॉन्ट्रैक्ट कितना इन्होंने बेचा और नेट अमाउंट कितना आया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास बाइंग वैल्यू है और यहाँ पे आपका सेलिंग वैल्यू है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेट उन्होंने लगभग 800 करोड़ का जो अमाउंट है यहाँ से बाय किया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक फ्यूचर भी है, इंडेक्स ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में आप देख सकते हो उन्होंने लगभग 6389 करोड़ का बाय किया था और 637 करोड़ का इन्होंने लगभग बेचा है, तो लगभग लगभग आई थिंक 50 करोड़ की नेट सेलिंग है यहाँ पे। तो ये डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन फिर बताना चाहूँगा ये जो डाटा है एक दिन पीछे का है, यानी कि 9 अक्टूबर का है, तो ये डेफिनेटली जो 8 अक्टूबर को ट्रेड हुआ है, ट्रेडिंग जो है इससे एक दिन पहले का है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर को जो ट्रेड हुआ है उसके ये डाटा है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ये डाटा आपको जो है सेम आपको मिल जाएगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी, आप देख सकते हो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। जब आपने लास्ट टाइम कैश का डाटा देखा था उसके जस्ट साइड में जो है FNO का डाटा है, FNO का डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि हम 8 तारीख का देख रहे थे, तो आप देखिए कि सेम वही वैल्यू है यहाँ पे, लगभग 1400 करोड़ इंडेक्स में है, और हमने डिस्कस किया था स्टॉक के ऑप्शन में, स्टॉक के ऑप्शन में आप देख सकते हो और लगभग 50 करोड़ हमने रफली काउंट किया था, लगभग 48 करोड़ है। तो ये डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे NSDL में एक दिन लेट अपडेट होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 9 अक्टूबर की आ गई है, 8 अक्टूबर की वहाँ पे है अभी, 9 की जो है नेक्स्ट वर्किंग डे वहाँ पे मंडे को अपडेट होगी। तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ पे एक एडिशनल एडवांटेज है, वो क्या है कि आप जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है पता कर सकते हो, कितने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए, कितने इन्होंने सेल किए। लेकिन यहाँ से ये डाटा हम नहीं देखेंगे, इसको हम ओपन इंटरेस्ट वाले डाटा में देखेंगे, वहाँ पे हमको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा कि नेट ओपन, ये तो आपको पता लग रहा है कि नेट ओपन इंटरेस्ट कितना है एंड ऑफ द डे, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग कितने हैं, बाय कितने हैं, सेल कितने हैं वो नहीं पता। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आप शॉर्ट भी हो सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर बेच रखा है और निफ्टी का एक फ्यूचर बाय कर रखा है, तो आपकी ओपन इंटरेस्ट 2 हो गई, आप इसमें बाय भी हैं और सेल भी हैं। आपने कुछ कॉल बाय कर रखे हैं, कुछ पुट भी बाय कर रखे हैं, ओके, आपने कुछ अलग स्ट्राइक के कॉल बेच भी रखे हैं, कुछ अलग स्ट्राइक के आपने पुट भी बेच रखे हैं, तो वो क्या है, चारों कॉम्बिनेशन होकर आपका ओपन इंटरेस्ट बताएगा। लेकिन उस ओपन इंटरेस्ट से ये पता नहीं लग रहा कि वहाँ पे उनकी नेट ओपन पोजीशन कहाँ पे कितनी है वो नहीं पता लग रही। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। जो हमारी निफ्टी एक्शन की सीट है कैश वाली, उसमें आपको जो है ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी DI के जस्ट साइड में। आप देख सकते हो कि जो FI का सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लियरली, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर में कितना पैसा इनका आ रहा है। ठीक है, अब ये जो पैसा यहाँ पे नेट आ रहा है इसका डायरेक्टली ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने बाय किया। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल समझाया कि आपने SBI के स्टॉक के फ्यूचर में पैसा लगाया, तो ये पैसा लगाया, अब बाय किया है या सेल किया वो नहीं पता। इससे आप अल्टीमेटली ये पता कर सकते हो कि ओवर द शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो है इनका कैश फ्लो कैसा है, वो प्रॉफिट कर रहे हैं, नेट पैसा निकाल रहे हैं मार्केट में या नेट पैसा जो है डाल रहे हैं। आप जैसे कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कई बार पैसा निकालते हो प्रॉफिट बुक करके, कई बार आप पैसा उसमें नया डालते हो, कुछ हैवी पोजीशन आप बिल्डअप करते हो, तो वो सब आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। उनकी पोजीशन स्पेकुलेशन की क्या है, कहाँ बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या उनका मार्केट पे व्यू है, वो इससे पता नहीं लगेगा। उसके लिए जो है हमको डेफिनेटली डेरिवेटिव के ओपन पोजिशन में ही जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका अभी क्लियर हो गया होगा कि डाटा कहाँ से देखना है, क्या देखना है, उसका क्या मीनिंग है, वो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जो है मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेरिवेटिव का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है ये कैश के डाटा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ए ट्रेडर,
नॉट फॉर इन्वेस्टर बट डेफिनेटली फॉर ट्रेडर। इन्वेस्टर के लिए भी है लेकिन जो डेली एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसका एक रीज़न है, इसको हम जो उस पिछले वाले एग्जाम्पल से भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा कि कैश में उनकी जो बाइंग थी लगभग मान लेते हैं 1000 करोड़ की थी, ओके 1000 करोड़ की उनकी नेट बाइंग कैश में थी, लेकिन यहाँ पे जो है डेरिवेटिव में उनकी जो है नेट कैश फ्लो जो है 500 करोड़ का आया, ओके फ्यूचर की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे 700 समथिंग करोड़ था, 800 करोड़ मान लेते हैं इसको। अब इस 800 करोड़ में जो वेटेज है वो इससे कहीं कहीं ज़्यादा है, इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल फिर से वो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपये जो है SBI के स्टॉक फ्यूचर में लगाया, ओके आपने जो है SBI का स्टॉक फ्यूचर जो बेच दिया 2 लाख रुपये में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक किस्म से आपने जो है 3000 स्टॉक जो है SBI के उस पर आपने बेयरिश पोजीशन बनाई है, क्यों 3000 का लोट है, ओके। सेम टाइम पे आपने क्या किया, कैश में 2 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे, SBI में। अब 2 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट में कितने स्टॉक मिलेंगे आप? जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अभी 200 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है 200 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आपको कितना स्टॉक मिलेगा, 1000 स्टॉक मिलेगा, ओके। आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपने जो है नेट इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 2 लाख रुपये, आपको SBI का कैश में कितना स्टॉक मिलेगा 1000, ओके। और जो SBI का फ्यूचर है वहाँ पे भी आपका सिर्फ 2 लाख रुपये ही लगा, और यहाँ पे आपने जो बेचा है वहाँ पे आपकी स्पेकुलेशन कितने पे है, 3000 शेयर पे। तो ज़्यादा वेटेज किसको हुई, अमाउंट यहाँ पे भी 2 लाख रुपये है, अमाउंट यहाँ पे भी 2 लाख रुपये है, लेकिन जो डेरिवेटिव में है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट मायने रखती है, ओके। और अगर यही अमाउंट ऑप्शन में हुआ तो, यानी कि आपने जो है मान लेते हैं कि 210 का या फिर 200 का एग्जाम्पल पे 200 के ATM के आसपास जो है पुट चल रही है 10 रुपये की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 10 रुपये की चल रही है, तो आपका एक लॉट पे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 30,000, और आप जो है इसमें लगभग लगभग 7 लॉट ले सकते हो। आपने जो है 7 लॉट जो है बाय किया 9, 9.5 रुपये 10 रुपये के आसपास मान लेते हैं SBI की 200 की पुट को, ओके। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपका जो नेट अमाउंट है ट्रेडिंग का 2 लाख रुपये है। पहला केस क्या है, आपने SBI की जो है कैश में इक्विटी परचेज की, ओके कैश में वहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपको मिलेगी, 1000। फिर आपने क्या किया, SBI का फ्यूचर जो है वो शॉर्ट किया, वहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 3000 एक लोट, ओके। फिर आपने क्या किया, SBI का 200 का पुट जो कि 9, 9.5 रुपये मान लेते हैं चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, ओके तो उसको जो है अभी एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, आई थिंक 197 पे वो ज़्यादा होगा, मैं मान के चलता हूँ कि स्टॉक जो है अभी 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसी पे हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है लगभग लगभग 6 लॉट ही मान लेते हैं, ठीक है 6 लॉट इंटू में 3000 इज इक्वल टू 18000, ओके 18000 जो है आपने लगभग 10 रुपये से बाय किया, तो इतनी क्वांटिटी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैपिटल आपका सेम ही है, 2 लाख रुपये ही है, लेकिन जो पोजीशन स्पेकुलेशन है वो काफ़ी सेल्फ, आप समझिए कि इसको बोलते हैं सेल्फ लिवरेज पोजीशन। यहाँ पे फ्यूचर जो है खुद में लिवरेज है और ऑप्शन तो खुद में हैवी लिवरेज है। अब यहाँ पे अगर स्टॉक 5 रुपये भी मूवमेंट करता है तो कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे एज कम्पेयर टू इससे। तो इसलिए मैंने बोला कि जो कैश का जो मनी फ्लो है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेटिव का मनी फ्लो है, और उस मनी फ्लो के सामने पोजीशन कहाँ बनाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने तो बोला कि यहाँ पे बेचा, हो सकता है यहाँ पे बाय किया हो कैश में बेच करके और यहाँ पे बाय किया हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है उन्होंने कैश में अपनी होल्डिंग रिड्यूस की हो और यहाँ पे फ्यूचर में और उसमें बाय की हो, पॉसिबल है। हमने बहुत बार देखा है कि कैश में उनकी जो है बाइंग चालू रहती है, डेरिवेटिव में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, या फिर वो जब डेरिवेटिव में लॉन्ग होते हैं तो वहाँ पे कैश में वो उनकी बिक वाली चालू हो जाती है, तो ऐसा कॉन्ट्राव्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि उनकी जो पोजीशन है उन्होंने फ्यूचर बाय किया या सेल किया ये पता करना, और ऑप्शन में जो पैसा आ रहा है उसमें ऑप्शन में कॉल में पैसा जा रहा है या पुट में जा रहा है,
और कॉल में भी बाइंग में जा रहा है या सेल में जा रहा है, और पुट के बाइंग में जा रहा है या सेल में जा रहा है, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। उससे क्या पता लगेगा कि अगर उन्होंने पुट बाय किया और कॉल सेल किया और फ्यूचर उन्होंने बेचा, तो इसका मतलब क्या है कि वो सुपर बियरिश है। क्या बोलेंगे उसको कि सुपर बियरिश है, क्यों? क्योंकि उनकी हर जगह जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, फ्यूचर भी बेच रहे हैं, कॉल भी बेच रहे हैं और पुट भी बाय कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगर फ्यूचर बाय हो, कॉल बाय हो और पुट सेल हो, तो क्या बोलेंगे? सुपर बुलिश। तो इसके लिए हमको ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि हमको पता करना कि उन्होंने पोजीशन बनाई क्या है। अब ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए जो है आपको डाटा चेक करना पड़ेगा। डाटा का सोर्स क्या है? यहाँ पे आप NSE पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल पे मेरे ख्याल से ये डाटा नहीं मिलता है, मुझे मालूम नहीं है, मैंने नहीं देखा। ठीक है, NSE की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो, डेली देख सकते हो। ठीक है, और जो हमारी गूगल शीट है वहाँ पे तो हम अपडेट करते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको दोनों जगह। पहले आपको NSE का वो लिंक दिखाता हूँ जहाँ से ये डाटा आप डेली डाउनलोड कर सकते हो, और फिर मैं आपको अपनी गूगल शीट दिखाऊंगा जहाँ पे हम डाटा इसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो आप सीख पाओ। ओके, तो अभी जो है हम NSE की नई वेबसाइट पे होम पेज पे आए हैं। नई वेबसाइट पे इसलिए आए हैं, पुरानी वेबसाइट का आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहाँ पे जैसे कि बीच में एक बार सर्कुलर नोटिस भी आया था कि अगस्त में बंद हो जाएगी, हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं कब हो जाए। तो जब नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है तो उसको जो है यूज करना सीखना चाहिए, ताकि लॉन्ग टाइम में वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप पुरानी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, पुरानी वेबसाइट पर मेरे कुछ पुराने वीडियो होंगे डेली ट्यू के, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे वहाँ पर डाटा गेट करना है, आपको पता भी होगा। ठीक है, नई वेबसाइट पर जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो है ये जो नीचे सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे जाना है, एक कॉलम नीचे से अलग बना है फॉर इन्वेस्टर, यहाँ पे आपको सभी वो लिंक्स मिलेंगे जो पुरानी वेबसाइट में हम डाटा डाउनलोड करते थे, वो सब लिंक यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, इस पर हम आने वाले दिनों में टाइम लगेगा, टाइम की काफ़ी कमी है, तो एक वेब जो है सीरीज बना देंगे कि NSE की जो नई वेबसाइट है वहाँ पे कौन सा डाटा कहाँ पे मिलेगा, कैसे उसको आप सर्च कर सकते हो। टाइम लगेगा जरूर, उस पर जो है एक वीडियो सीरीज बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप जाइए, जैसे ही आप इन्वेस्टर में जाओगे आपको सबसे पहले ऐसा होम पेज आएगा, आपको जाना है डेरिवेटिव मार्केट रिपोर्ट्स पे, इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कस्टमाइज रिपोर्ट फॉर डाउनलोड, इसमें आपको जाना है इस पेज पे। जैसे ही इस पेज पे जाओगे एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव की यहाँ पे सब डिटेल मिलेगी आपको। ठीक है, आपको डेट जरूर देखनी है, कुछ जो है ऊपर की स्पैन फाइल एक्सपोजर लिमिट ये रहती है, उसको आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इनके यूज़ हैं वो आने वाले दिनों हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो दो फाइल यहाँ से डाउनलोड करनी है और उसका क्या यूटिलाइज करना है अभी हम उसी पे फोकस करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे डेट्स ज़रूर देखें कि कौन सी डेट की आप जो है रिपोर्ट देख रहे हो, क्योंकि ये डाटा एंड ऑफ द डे है, शाम को 6:30 से 7 बजे अपडेट होता है, तो आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी। आपको यहाँ पे दो मेन शीट है वो डाउनलोड करनी है, कौन सी है? एक तो FNO पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ से आप जो है किसने कितना काम किया, कितने लोट बाय किए, कितने सेल किए, वो पता लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, आप जो है इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जा करके आप जैसे डाउनलोड करोगे डाउनलोड जाएगा, या फिर आप जो है सिंगल कॉपी यहाँ से इसके डाउनलोड कर लोगे, आपको यहाँ पे एक CSV ओपन हो जाएगी, आप उसको बाद में जो है यूज कर सकते हो, एक्सेल में ओपन कर सकते हो, यहाँ पे जो है इसको पार्टिसिपेंट वाइज वॉल्यूम करोगे तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये शीट जो है आपके एक्सेल में ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो मास्टर फाइल में, या फिर जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसमें जो है आप इसको कॉपी करके इसका यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि आपके सामने जो है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट जो है ओपन हो गया है। यहाँ पे चारों सेगमेंट है, क्लाइंट, रिटेल जिसको हम बोलते हैं, DI, FI और प्रो डेस्क। ठीक है, इनकी कहाँ पे क्या पोजीशन है आप देख सकते हो, कि फ्यूचर के इंडेक्स में लॉन्ग कितना है, आप इसको थोड़ा सा वाइडन करोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसको आप देख सकते हो कि फ्यूचर के इंडेक्स में लॉन्ग कितनी, नेट पोजीशन अभी कितनी है। ठीक है, तो FI की अभी जो है 1,08,821 लोट जो है उनके नेट लॉन्ग है, यानी कि इतनी क्वांटिटी उनके पास जो है फ्यूचर की बाय की हुई है, इसमें निफ्टी भी हो सकता है और बैंक निफ्टी भी हो सकता है। शॉर्ट जो है आप देख सकते हो लगभग 43,000 है, 43,000 जो लोट हैं वो अभी बेचे हुए हैं, ये नंबर जितने भी हैं सब कॉन्ट्रैक्ट में है, लोट में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नेट इनके 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं लॉन्ग हैं, यानी कि वो बुलिश ज़्यादा है, बेयरिश कम है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट इनके
सेलिंग में भी है, ठीक है। ठीक है, ऐसे स्टॉक फ्यूचर का स्टॉक में कितना बाय है कितना नहीं है, ऑप्शन के इंडेक्स में कॉल पुट, ये सब आपको डाटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये डाटा जो है आप कॉपी कर सकते हो, या फिर जैसे कि हमने इसको एडजस्ट किया है इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो, डेरिवेटिव डाटा नाम की एक सीट हमने बनाई हुई है, ओके। यहाँ पे हम जो है एनएससी का डाटा आता है, जो डाटा वहाँ पे वही डाटा यहाँ पे आता है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे FIDI रिटेलर प्रो सबको अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे रखा हुआ है। इसको हम बैकएंड डाटा के लिए देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे नहीं है, यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ इसको ऐसे करते हैं हम जो है इंडेक्स ऑप्शन में जाते हैं। इंडेक्स ऑप्शन का क्या मतलब है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन की पोजीशन कौन से पार्टिसिपेंट की कितनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो डे वाइज डेट वाइज यहाँ पे आपको सब दिख रहा है कि यहाँ पे FI की कॉल इन्होंने कल लास्ट डे जो है कितनी बाय की, 30,006 लॉट जो है उन्होंने बाय किए, ओके। FI ने जो है 26,000 लॉट जो है अप्रोक्स कॉल के बेचे, पुट में कितना बाय किया और पुट में कितना सेल किया, तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि वो कहाँ पे कितनी पोजीशन बना रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे बनाई होगी कहाँ पे बेची होगी, वो आपको आइडिया लगाने की ज़रूरत है कि निफ्टी में कितनी ज़्यादा रही होगी, बैंक निफ्टी में कितनी रही होगी, इसमें स्पेकुलेशन कितनी है और हैजिंग कितनी है, वो आपको एनालिसिस जो है करनी पड़ेगी। वो कुछ एक दो वीडियो शायद पब्लिक डोमेन में पहले अवेलेबल भी हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये पोजिशन कहाँ पर रही होगी, बाइंग की है सेलिंग की है स्पेकुलेशन की है, डाटा सेटअप के नाम से आपको पुराने वीडियोज में मिल जाएगा, वरना जो मेंबर वीडियो है वहाँ पर हर वीक जो है हम दो बार इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इंडेक्स के फ्यूचर में आप जाओगे, इंडेक्स के फ्यूचर में आप देखिए कि यहां पे आपको नेट क्वांटिटी कितनी है इनकी और साथ में कल कितना काम हुआ, कल यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे है वो कितना काम हुआ। ये सीट हम लगभग शाम को 7 बजे अपडेट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे 7 बजे के लगभग आपको मिल जाएगा डाटा कि कल इन्होंने नेट कितना काम किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्राइडे है वहाँ पे लगभग 5700 लोट, इतने जो लोट हैं उन्होंने जो शॉर्ट किए हुए थे वो निकाल दिए थे। क्यों निकाल दिए, उनको डर है कि मंडे को मार्केट और ऊपर जा सकती है। सेम टाइम पे इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे बाय किए हैं कितने, 4,300, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक नंबर जो है बुलिश है, लेकिन आप देखिए कि पहले इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी पोजिशन बनाई हुई है। अगर आपने ये डाटा परसों नरसों देखा होता तो आपको ऑलरेडी जो है आइडिया लगता कि 21,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने बाय किए हैं, तो फ्राइडे को भी मार्केट जो है और ऊपर जा सकती है, ऐसा आपको आइडिया पहले से लग जाता। और यहाँ पे नंबर कम है तो अब आपको मंडे का आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग तो है लेकिन बाइंग थोड़ी कम हो गई है, तो मार्केट ऊपर जा करके एक बार थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स निकल रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ऐसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। स्टॉक फ्यूचर का, स्टॉक फ्यूचर में इनके जो है कितने नेट बाइंग है कितने नेट सेलिंग है, कल इन्होंने कितना काम किया, आप इसका पता लग सकते हो। जैसे कि ऊपर में उन्होंने कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली बुक की होगी, कौन से सेगमेंट में की होगी उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कौन सा सेक्टर ऊपर है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, वो स्टॉक एक्शन की जो हमारी ब्लू एक्शन सीट है वहाँ से काफ़ी मदद मिलती है देखने में, ठीक है। और साथ में स्टॉक ऑप्शन में क्या काम हुआ, प्रोप्राइटरी ने क्लाइंट ने कहाँ पे कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, तो आप इसको सेम एज इट इज बना सकते हो। मेन जो है यहीं से डाटा आ रहा है, इसी को आपने अलग अलग रखा है। जो इंडेक्स फ्यूचर है इसका कॉलम अलग बना दिया, अलग सीट बना दी, जो इंडेक्स के ऑप्शन है उसके अलग बना दी, और जो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर है उसका अलग बना दिया, और साथ में आपने क्या किया, आपके पास ये डाटा आ रहा है, ठीक है, कि आपके पास नेट पोजीशन कितनी है इंडेक्स के फ्यूचर की लॉन्ग, कल यहाँ पे 104,000 थी आज 108,000 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो नेट है 4,000 बाय किया। एक्सचेंज आपको ये डाटा दे रहा है, सिर्फ ये डाटा दे रहा है, ये आपको खुद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं बोलूँ कि कल मेरे पास 10 लोट थे निफ्टी के, आज मेरे पास 15 लोट है, तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली मैंने 5 लोट ऐड किए हैं निफ्टी फ्यूचर में, 5 लोट मैंने ऐड किए हैं। तो ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कल 104,000 जो है इनके पास फ्यूचर के लोट थे और आज जो है 108,000 है, तो इसका मतलब इन्होंने 4,000 नए लोट जो है ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये सब डाटा क्या है, ओपन इंटरेस्ट का है। ओपन इंटरेस्ट का अभी मैंने आपको मतलब बताया कि अगर आपके पास 10 लोट SBI के पुट के हैं तो आप समझ सकते हो कि उनकी पोजीशन कितनी बेरिच है। अगर 10 लोट उन्होंने एक लोट फ्यूचर का बेच रखा है तो वो कितनी स्पेकुलेशन है, और कैश में है जो कैश का इक्विटी डाटा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटा ओपन इंटरेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस डिस्कस नहीं कर रहे, डाटा कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा वो मैंने आपको शो किया। इसके बाद में जो एक डाटा है वो है वॉल्यूम का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट लिए, वैसे ही आपने वॉल्यूम का डाउनलोड किया था, वॉल्यूम में ऐसे सब आता है। वॉल्यूम में क्या दिखेगा आपको, वॉल्यूम में आपको ये दिखेगा कि पर्टिकुलर सेगमेंट ने जो भी FI है DI है उन्होंने आज कितनी ट्रेडिंग की, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं
काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे ज्ञानी हैं, वो बोलते हैं कि FI इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर FI ऑप्शन बाय नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो सब मिथ्या आपको इन डाटा से पता लगेगी। कैसे पता लगेगी? आप देखिए, वो सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन एक्सचेंज बता रहा है आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सचेंज क्या बता रहा है। आप देखिए कि एक्सचेंज हमको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से सेगमेंट ने कितना काम किया है। ये DI का सेगमेंट है, हम FI का सेगमेंट निकालते हैं। FI में देखिए कि कल इन्होंने इंट्राडे में पूरे दिन में 64,342 लॉट जो हैं इंडेक्स के बाय किए। समझ आ रही है आपको? 64,000 लॉट इन्होंने पूरे दिन में बाय किए, उसमें निफ्टी भी था, बैंक निफ्टी भी था, और शाम तक जो है उसमें से 54,000 जो है बेच दिया। तो यानी कि क्या है ये, 95% काम तो ऑलरेडी इंट्राडे ही हुआ ना। तो जो लोग बोलते हैं कि FI इंट्राडे नहीं करते, मतलब कि उनको नॉलेज नहीं है। एक्सचेंज आपको डाटा दे रही है, आप मेरी मानोगे या डाटा की मानोगे? डेफिनेटली डाटा की मानोगे। जब एक्सचेंज बोल रहा है कि उन्होंने कल जो है 64,342 लॉट बाय किए और 54,231 लॉट जो है बेच दिए, और नेट जो है वो कितनी क्वांटिटी लेके गए आपको मैंने दिखाया, ठीक है, यहाँ पे नेट कितनी क्वांटिटी बनती है, लगभग 10,000। अब 10,000 में से हमने देखा 5,000 उन्होंने लगभग नया बाय किया और 5,000 उन्होंने लगभग पुराना निकाल दिया, शॉर्ट थे वो निकाल दिए, वही 10,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, जो हमने ओपन इंटरेस्ट में भी डिफरेंस देखा। यानी कि एक्सचेंज के डाटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज बता रहा है कि एक दिन नहीं, वो डेली ऐसा करते हैं। आप डेली देख सकते हो, कभी 66,000, 46,000, 47,000, किसी दिन 41,000, इतने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे बाय हो रहे हैं। सिर्फ इंडेक्स के फ्यूचर में नहीं, स्टॉक के फ्यूचर में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। स्टॉक के फ्यूचर में लगभग 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट जो है डेली ट्रेड करते हैं वो। तो 2 लाख में से घर पे जो नेट ओवर द नाइट पोजिशन है वो तो सिर्फ 10,000 ही जा रही है, बाकी तो सब इंट्राडे ही हो रहा है ना। तो 2 लाख में से 10,000 लेके जा रहे हैं, यानी कि 5% काम पोजिशनल हुआ, बाकी क्या है, 95% काम इंट्राडे ही हुआ। तो वो डेली एक्टिवली ट्रेड करते हैं इंट्राडे, ओके। और इंडेक्स के ऑप्शन में तो आप देख सकते हो नंबर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा नंबर है। तो ये कहने का मतलब है कि वो इंट्राडे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना उन्होंने बाय किया, कितना सेल किया, ये आपको वॉल्यूम के डाटा से पता लग जाएगा। लेकिन डेली आपको ये डाटा नहीं देखना है। हम जो फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि FI की वॉल्यूम में पार्टिसिपेंट कितना है, सिर्फ ये चेक करते हैं कि अगर किसी दिन मार्केट जो है ऊपर उठ रहा है और उसमें FI के पार्टिसिपेंट कम है, तो यानी कि वो इस मूव से ज़्यादा खुश नहीं है, या फिर उनका पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है, या फिर ये जो मूव है जल्दी वापस आ सकती है, ऐसा हम अजम्पशन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्सपायरी वाले दिन को छोड़ करके यहाँ पे लगभग लगभग 11 से 14% के बीच में ही FI का वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी हो, मंथली एक्सपायरी हो, उसी दिन आप देखो कि नंबर जो है बढ़ जाता है। इनका नंबर उतना ही रहता है, बाकी नंबर बढ़ जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे इनके भी पार्टिसिपेशन एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी जो है दूसरे पार्ट की बढ़ती है। यानी कि जो FI के अलावा सेगमेंट है प्रो और रिटेलर, ओके, क्योंकि DI का तो डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। हमने भी देखा कि DI का बहुत ज़्यादा जो है इंट्राडे में ट्रेडिंग में नहीं है, ऑप्शन में तो उनके पोजीशन ही नहीं है। तो बचा कौन, सिर्फ प्रोप्राइटरी और रिटेल। तो यानी कि जो रिटेल सेक्शन है और प्रोप्राइटरी सेक्शन है वो एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा वॉल्यूम में क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? तो ये सब जो है इंपॉर्टेंस है, आप इसको कंक्लूजन में ऐसे बना सकते हो कि किस पर्टिकुलर डे निफ्टी ने कितना मूवमेंट दिया, चेंज कितना आया, और यहाँ पे इंडेक्स के फ्यूचर में, इंडेक्स के ऑप्शन में कौन से पार्टिसिपेंट की कितनी पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन में हमने DI का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इंडेक्स के ऑप्शन में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका डाटा नहीं रहता, उनकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा नहीं रहती, थोड़ी सी पोजीशन रहती है, वही कंटिन्यू रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है, इसलिए वहाँ पे DI को नहीं लिया। हाँ, DI की हल्की फुल्की पोजीशन ऑप्शन में नहीं लेकिन फ्यूचर में रहती है, स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में, इसलिए उनको यहाँ पे काउंट करते हैं, और इनको हम स्टॉक ऑप्शन में भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो FI को और प्रो को आप जो है ट्रैक करके 75-80% एक्यूरेसी इनके आप मान सकते हो जब ये पैसा बनाते हैं, तो आप इनकी पोजीशन देख करके फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ डाटा कहाँ से मिलेगा, क्या करना है, क्या रीड करना है, वो आपको इसमें समझ में आ गया। एक डिटेल एनालिसिस कि कैसे इस पे बाय करना है या सेल करना है, इसको देख करके लॉन्ग होना है या बेयरिश होना है, उसके लिए जो है आने वाले दिन में एक वीडियो फिर से बना देंगे। एक रफली आइडिया लेने के लिए आप जो है डाटा सेटअप का कोई भी वीडियो आप जो है देख सकते हो। ये चीज़ आपको समझ आई होगी, डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे काम करना है, कहाँ से आपको डाटा मिलेगा,
कैसे आप उसको प्रेजेंटेस्ट कर सकते हो, कैसे उसको आप जो है देख सकते हो, ये चीज़ें जो है मैंने आज इसके टॉपिक में कवर करने की कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आई होगी। कुछ भी क्वेरी है, कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो, जरूर ट्राई करेंगे उसको रिप्लाई करने का। और लगा कि कंसेप्ट जो है ज़्यादा ही क्लियर नहीं हुए तो दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन अगर जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक उस टॉपिक को पूरा नहीं मानते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।